इन्फेक्शन है जो मुंह में पहले था होगा, उसका खाना पीना भी बंद हो जाएगा और भी दस्त करने लगेगा। उसका दस्त बहुत गंदी भी होता है कि दूर से तो दूर हट जाता है, जो आदमी रहता है ना बकरी के पास, और जितना दूर दस्त करते रह जाएगा पूरा व्यक्ति को सेक लेगा। तो उसी का पीपीआर का वैक्सीन नहीं लगाना है। आप पीपीआर जो वैक्सीन नहीं लगाते हैं और दस्त ऐसी गांव में जब वैक्सीन लगा हुआ है ना, तो दो घर छूट गया। अगर दो बकरी को जब पीपीआर हो जाएगा ना तो पूरा गाँव फैल गया। बहुत सारा बकरी को बीमारी के कारण मर जाता था, अभी ऐसा नहीं होता है। वो लोग जो मतलब डिमेंटन कौन सी दवाई खिलाया, उसके बाद इंजेक्शन भी करवाए हैं, और करवाने के बाद सभी मतलब बीमारी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम लोग का जैसलमेर करने से हम लोग का ऐसा सहायता मिला है। बकरी मर गया तो हमको मालूम नहीं है कि कैसे बीमारी है, कैसे आता है। बाहर से डॉक्टर को लेकर आते हैं तो 200 जो मांगते वही देते थे, लेकिन जब हम जुड़ गया समूह से APS बनकर तो 20 से 10 रुपये से उस लोग का ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसी में बकरी अच्छी होता है कि बीमारी नहीं भी होता है, मर भी नहीं जाता है। दीदी लगा पैसा भी बच जाता है, उसी समूह भी चलाती है दीदी। अगर हम लोग का कुछ पैसा का जरूरत पड़ते थे तो हम लोग मतलब हम लोग हस्बैंड लोग से मांगते थे तो बोलता है कि छोटा मोटा पैसा अगर मांगते थे तो बोलता है कि तुम लोग को हमेशा पैसा देंगे। तो अभी हम लोग को पति के सामने मतलब हाथ नहीं फैलना पड़ता है, वो SHG में जाकर लेते हैं और हम लोग आस्ते आस्ते मतलब उसको मिटाते हैं। फिर गहना बहना सब गिरवी रखना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग SHG से ले रहे हैं और उसको हल्का हल्का सही कर रहे हैं। घर में छोटा छोटा लड़की का शादी करा देते हैं। अभी हम लोग SHG में किए हैं, जुड़े हैं, तो हम लोग मतलब जितना भी दीदी जुड़े हैं हम लोग सभी अपने मन से ये करते हैं कि जैसे अभी बाल विवाह दे रहा है, मतलब छोटा छोटा उम्र में गांव का ज्यादा ही शादी करा देते हैं। तो हम लोग सभी किए हैं, BO मीटिंग में भी सभी आलोचना करते हैं कि अभी हम लोग छोटे छोटे साल में नहीं शादी कराएंगे, बेटी लोग का 18 साल उम्र होने के बाद शादी कराएंगे। हम लोग को जैसल ऑफिस के माध्यम से हम लोग को सभी लाभ मिल रहा है, और लाभ मिलने के बाद हम लोग सही तरीका से उसको निभाएंगे, गलत कुछ नहीं करेंगे।